तो क्या खट्टा हुआ उस दिन सचिकांत सर? उस दिन गोली चली थी जी, गोली जबरदस्ती केवल विकास दुबे के जरिए चलवाई गई थी। जी जी रुकिए एक कल्याण जी। हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए। मैं जी मैं अमर दुबे और प्रभात जी मिश्रा और विकास दुबे जी और बोले दी बोले दिया बोले दिए जी जी बउआ जी और अतुल दुबे जी और मेरे पापा जी जो शामिल थे जो कि पुलिस मुठभेड़ में मारे गए जी और हम लोगों को दबाव बना करके। किन किन लोगों ने गोली चलाई थी बताओ सर? बहुत थे। कौन कौन बताओ? लालू बड्डे थे, शिवम था, हम थे और हीरू थे और अखिलेश मिश्रा थे, राजेंद्र थे, प्रभात था और अमर था। घटनाक्रम कैसे शुरू हुआ? घटनाक्रम गोली की चलने की स्थिति क्यों आ गई? गोली चलने की स्थिति कि आज इन्हें मारना ही है। क्यों मारना? सूचना आ गई थी क्या? कैसे पुलिस आ रही है? कैसे मालूम था पुलिस आ रही है? पुलिस द्वारा सूचना दी गई थी। अच्छा क्या सूचना आई थी? पुलिस द्वारा सूचना ये आई थी कि जाओ। हाँ बात कर बात कर। हाँ बोलिए 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 बात बोलिए। तो पुलिस द्वारा सूचना ये आई थी कि उनको मारना है। अच्छा हाँ पुलिस वालों को। किस तुम्हारे आंगन में कितने लोग हत्या हुई थी? हमारे आंगन में 3 लोगों की। कौन कौन? आंगन में सीओ साहब और बाहर दरवाजे पे दरोगा, 2 दरोगा। अच्छा तुम लोगों गेट क्यों नहीं खुला जब दरोगा जी वहाँ मदद मांग रहे थे? सर हम लोगों ने गेट इसलिए नहीं खोला कि कब हम लोगों को मार दें। नहीं गोली तुम लोग छत से चला रहे थे जी? तुम और तुम्हारे पिताजी चला रहे थे अपने छत से? नहीं। असलहे कहाँ से आए थे सब? ये असलहे सब विकास दुबे ने दिलाए थे। अच्छा कौन कौन असलहे थे उसमें? सर बंदूक थी, बंदूकें, राइफल सभी थी। अच्छा घटना शुरू कैसे हुई थी ये बताओ पूरी? जैसे सूचना आई विकास दुबे ने कहा तुम लोग बुलाया, कैसे बुलाया, क्या कहीं बुलाया था? फोन करके बुलाया था हम लोग। क्या बोला? यही बोला कि आज गोली चलनी है, बस इतना ही कहा था। अच्छा। और कुछ नहीं कहा था। फिर क्या हुआ? अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें क्योंकि हम इसी तरह की न्यूज़ आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें।